नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 2 अप्रैल है, दिन है शनिवार और आज भारतीय नव वर्ष भी है, नया चैत्र लगा है, नवरात्र भी आज से ही आरंभ हो रहा है। आपको नए वर्ष, नए संवत्सर और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप हर तरह से समृद्ध हों, फूले फले, आपको हर तरह से खुशहाली मिले। आइए बात शुरू करते हैं सरसों की। तो सरसों में आज 7 लाख से अधिक गट्टों की आवक हुई है देश भर में, इसलिए थोड़ा सा भाव पर दबाव है। जयपुर का जो बाजार है वो सुबह 7150 रुपये पर खुला था, शायद अब 7125 रुपये रह गया है, 25 रुपये और डाउन हो गया है। कल से 50 रुपये कमजोर पहले ही खुला था। भरतपुर का बाजार भी 60-65 रुपये डाउन खुला है और दिल्ली का बाजार भी 50 रुपये डाउन है। सलोनी के प्लांट ने आज 100 रुपये तक बाजार गिरा दिया है, पहले 7700 रुपये हो गया था, अब फिर से 7600 रुपये पर कारोबार आ गया है। इस समय आवकों का देखिए प्रेशर बनना ही है और बनना चाहिए भी। अगर अब भी आवकें बड़े लेवल पर नहीं होती हैं तो ये संकट पैदा कर सकती हैं आगे 3-4 महीने के बाद सरसों के बाजार पर, क्योंकि इस समय आवक पीक पर होनी चाहिए और इस समय अगर आवक बनती है तो इस समय एक भाव एक सीमित दायरे के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर इस समय आवकें कमजोर रहती हैं तो क्या होगा, अभी थोड़ा सा भाव बढ़ जाएगा और आवकों का फिर इंतजार होगा। लेकिन जब लोगों को, आप सबको, हम सबको ये इंतजार होगा कि भाव अच्छे स्तर पर जाना चाहिए, तब एकदम आवकों का प्रेशर पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि इस साल के एंड में, अंत में जब एकदम से प्रेशर निकल के आया और खूब सारी आवकें हुई, लाख लाख, 1.5 लाख बोरी की आवकें दिखाई दी लास्ट में, जो कि संभावना नहीं थी। और इसी तरह का प्रेशर अगर अंत में बना तो बाजार फिर नया भाव बनाने में कामयाब नहीं होगा। अभी सारा कुछ कहना जल्दबाजी है क्योंकि बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर भी निर्भर करता है। दूसरा, हमारी जो कुल आवक है उस वो कितनी है, क्या रहता है, उसकी स्थिति क्या है, वो अभी क्लियर नहीं है। और दूसरी तीसरी बात यह है कि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो क्या दिशा लेता है। अभी तक जो संकेत दिए थे रूस ने कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई कमजोर कर रहा है, घटा रहा है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो इस ये स्थितियां भी आगे तस्वीर को साफ करेंगी कि बाजार कैसा रहेगा। फिलहाल खाद्य तेलों में संकट नहीं है, आज भी खाद्य तेलों के भाव थोड़ा बहुत सुधार की तरफ है। खासतौर पे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और सूरजमुखी का तेल और बिनोला तेल, इन तेलों के अंदर आज भी तेजी दर्ज हुई है, जबकि सोया तेल आज फिर थोड़ा सा 2 रुपये किलो तक डाउन है। सोया तेल में अब तक 4-5 रुपये किलो तक की गिरावट आ चुकी है पिछले 3-4 दिन में। तो कुल मिलाकर के अब बात कर रहे हैं सरसों की। तो सरसों की अब जैसे जैसे आवक, अगर 7 लाख आज है, कल को 10 लाख बोरी होती है, यानी सोमवार से मंगलवार से हमें वाच करना चाहिए, ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे। सोमवार और मंगलवार की आवक कितनी रहती है, अगर 10 लाख बोरी पहुंचती है तो भाव 100-150 रुपये और डाउन जा सकता है। और अगर भाव इसी भाव पर, आवकें इसी लेवल पर रहती हैं, 5-7 लाख बोरी, तो भाव फिर वापस 100-150 रुपये सुधर जाएगा। कुल मिलाकर के अगले हफ्ते के अंदर भी, यानी जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है सोमवार से, 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक का जो एक सप्ताह सामने हमारे है, उसमें मुझे बड़ी गिरावट सरसों में दिखाई नहीं दे रही है और बड़ी तेजी भी संभावना नहीं है। बड़ी गिरावट तब आ सकती है जब एकदम से जो आवक है, यानी दैनिक आवक है, वो 20 लाख के पास, 18 लाख के पास या 15 लाख से ऊपर गट्टों की पहुँचेगी, तो मैं समझता हूं कि भाव 6000 के आसपास आ जाएगा। जयपुर का भाव भी फिर 42% का भाव भी 7000 से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। उम्मीद बहुत कम है, संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आवकें इस तरह से बनती हैं तो ये स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर के सरसों के बाजार की स्थिति मैंने आपको बताई। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन की। कॉटन बाजार में देखिए, आप यहां से एक प्रेशर सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दबाव सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार एक बार स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है, बल्कि कुछ जगहों पर बाजार 300-400 रुपए डाउन भी है। उत्तर भारत की मंडियों में बाजार 300-400 रुपए डाउन है, जबकि गुजरात के अंदर 50 रुपए का बाजार डाउन है 20 किलो में, और आपका जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है, कर्नाटक है, यहाँ भी 100-200 रुपए क्विंटल में गिरावट दिखाई दे रही है। रुई के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज हुई है।
लेकिन मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल है कॉटन का, यानी नर्मा कपास की जो उपलब्धता है, उस पर अभी भी संकट बना हुआ है। 230 लाख गांठों की आवक अभी तक इस सीजन में हुई है, नए सीजन में, जो कि 90 लाख गांठ कम है, कम से कम 90 लाख गांठ कम है। इसलिए लगता नहीं है कि इसमें कोई बड़े मंदे की संभावना है। अभी थोड़ा बहुत कोई प्रेशर है, कुछ खरीदी कम की है स्पिनिंग मिल्स ने, जिनर्स मिल्स ने, तो खरीदी कमजोर होने से ये बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आता है। मुझे लगता नहीं है कि अगले हफ्ते के अंदर भी ये प्रेशर इस तरह से बना रहेगा। हो सकता है एक दो दिन का और बाजार थोड़ा ठंडा रहे, बाजार ने फिर तेजी की तरफ चलना ही चलना है। लेकिन 12,000 रुपये, 12,500 रुपये का भाव अगर आपको मिलता है, तो संभवतः ऐसा मानना चाहिए कि भाव बहुत अच्छा है और इस भाव का फायदा उठाना चाहिए। नर्मा के साथ साथ बिनौला और खल के अंदर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है अप्रैल के एंड तक। लेकिन बिनौला में खूब अच्छी तेजी बनेगी, उतनी तेजी खल में थोड़ी जो है धीमी रहेगी। तेजी बनेगी लेकिन उतनी तेजी शायद ना बने जितनी बिनौला खींच के ले जाए। तो कुल मिलाकर के ये था कॉटन का बाजार और सरसों का बाजार। और कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि जी ग्वार में क्या होगा। ग्वार में देखिए, धीरज रखिए, ग्वार ने दो दिन से बढ़ना शुरू किया है और धीरे धीरे बढ़ करके भाव 200 से 300 रुपए सुधर गया है। आज भाव 6300 रुपए के आसपास दिखाई दिया है आदमपुर मंडी में भी, और हरियाणा की कुछ और मंडियों में भी, राजस्थान की कुछ मंडियों में भी 6200 रुपए से लेकर के 6300 रुपए का भाव ग्वार सीड का दिखाई दिया है हाजिर मंडियों में। और जो अगर वायदा बाजार की बात करें तो वायदा बाजार में आज 6600 पर ग्वार सीड काम कर रहा है, जबकि ग्वार गम जो है वो 13,000 के स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो इस हिसाब से लगता ये है कि इस मंथ के एंड तक अप्रैल के अंत तक मुझे लगता है कि जो हाजिर मंडियों का ग्वार का भाव 6300-6200 आज है, ये 6700 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा बहुत 6700-6800 या 7000 तक भी। और इसी तरह से जो गम का भाव है वो भी 13,000 से प्लस, यानी 13,500 के आसपास, 14,000 के आसपास भी हम कह सकते हैं संभावना होनी चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों का भाव भरतपुर का 6753 है, कल से 60 रुपए के करीब डाउन है। जयपुर 7125, सलोनी 7600, गंगापुर 6600, एलनाबाद 6400, अलवर 6900, केकड़ी 6600, सिरसा 6351, हिसार 6600, आदमपुर 6431, बूंदी 6400, रेवाड़ी 6750, दादरी 6800, भूना 6450, हापुड़ 6500, खेरली मंडी 6800, बीकानेर 6400, रायसिंह नगर 6500, गंगानगर 6600, दिल्ली 6900, टोंक मंडी 7150, ग्वालियर 6600 और निवाई मंडी 7225। कॉटन यानी नर्मा आज एलनाबाद में बिका है 11,471, फतेहाबाद में 10,561, सिरसा में 11,600, आदमपुर में 11,100 और हनुमानगढ़ में 11,850। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।